हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब नेपाल की ट्रिप करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग सब जनकपुर होने के बाद सब थक चुके हैं, सब सो रहे हैं गाड़ी में और जिया जी पीछे बैठे हैं क्योंकि उन्हें वोमिटिंग नहीं होती, लेकिन एंड में उन्हें भी हो गई थी और सब सोते हुए पूरा रास्ता गए। बीच बीच में देखे हैं, बहुत अच्छी जगह है, घाट भी है, जिन्हें वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है वो मस्त इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। मुझे तो बहुत वोमिटिंग होती है, मेरी बेटी को भी होती है, हमने बहुत मज़े किए। मेरी मम्मी है, मेरी दीदी है, बड़ी वाली है, मेरे हस्बैंड, हमने बहुत इंजॉय किया साथ में। और देखिए रास्ता क्या मस्त है, लगवावल रहता है, पहाड़ पहाड़ लगवाता है सरकार। पूरा दिन हमें लग गया था क्योंकि हम बहुत जगह जा रहे थे और यहाँ रात के 10 बज चुके थे, हम होटल पहुँचे। मेरी बेटी अब खाना ऑर्डर करेगी यहाँ पर, क्या उसे खाना है बताएगी। और हम सबको भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, सबने ऑर्डर कर रखा था, बस वेटिंग चल रही थी कि अब खाना आए आए। क्या खाना हम लोग खा पी कर फिर होटल रूम में गए। यहाँ पे होटल पहुँच चुके हैं, बुकिंग पहले से कर रखी थी ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है। रात में जाओ, जब भी जाओ सीधा होटल पहुँचो, स्टे करो नाइट। तो ओवरऑल अच्छा ही रहा। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट गर्मियों में ना जाएं। हम मई में ही गए थे, बट ब्लॉग में लेट डाल रही हूँ। और ये कल सुबह होते ही हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल यहाँ जा रहे हैं सब लोग सुबह सुबह। और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, अंदर तो कुछ लेने नहीं दे रहा था हमें, फ़ोटो वीडियो कुछ अलाउड नहीं था अंदर में, जो भी था बाहर बाहर का सीन दिया गया है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखिए वीडियो। और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ का वेदर ये अच्छा है, कितनी भी धूप हो आपको स्वेटिंग नहीं होती है, बहुत कम, रेयर ही होती है, पसीने चलते नहीं हैं। ये सबसे अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मेक टाइम में हमारे बिहार में तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मेकअप करके निकलो पूरा बाहर आ जाता है। आपको बिहार की जो होंगी वो रिलेट कर पाएंगी मुझे, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी, आप धूप में कितना भी घूम लो कोई स्वेटिंग नहीं, प्लस मेकअप भी आपका रह जाएगा। लाइट मेकअप ही किया था हम लोगों ने। देखे बहुत सारे कबूतर थे, ये सीन बहुत ही प्यारा लगा मुझे, सारे चिड़ियाँ एक साथ उड़ रही थी, मेन कबूतर थे। नेक्स्ट ब्लॉग बुद्ध स्तूपा का डालूंगी, इसके बाद हम लोग बुद्ध स्तूपा गए थे, यहाँ पे ही बहुत टाइम लग गया था। फिर सब कोई अब वापस जा रहे हैं, अब होटल नहीं कोई रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे, क्योंकि अब इतना होते होते 12 बज गया था, हम लोग 8 बजे पहुँच चुके थे, 8 बजे से पहले ही पहुँच चुके थे, अभी सबको भूख लग गई है बहुत तेज। तो अब गाड़ी में बैठकर वापस हम लोग कोई रेस्टोरेंट देखते हुए जा रहे हैं कौन सी अच्छी है, वहाँ पे बैठकर सब लोग खाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगी बुद्ध स्तूपा का, वो भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ भी खाने के लिए वेटिंग वेटिंग चल रही है। थैंक यू गाइस, आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। तो इससे ना एक इनक्रेजमेंट मिलती है कि आप और ब्लॉग्स बनाओ। मेरे पास हैं बहुत सारे वीडियोस, बट मेरे पास टाइम की कमी हो रही है। ठीक है, ओके।